सलमान कई बार दस दी कि जान तो मारन दी धमकियां मिल चुकी ने और सलमान खान नू इथों तक यह जानकारियां खुलासे पिछले समय दे विच होए ने कि प्लान जिहड़े कीते गए सन लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे वल्लों जिहड़े प्लान कीते गए सी प्लान ए प्लान बी ए सब फेल हुंदे होए भी दसे गए ने क्योंकि बहुत लंबे समय तो यह धमकियां जिहड़ियां ने सलमान खान नू मिल रही सन और वक्खो वक्ख तरीके दे नाल कोशिश हो रही सी कि आखिरकार शिकार बनाया जाए और दस दईए कि बिल्कुल हाई लैवल की जिहड़ी सिक्योरिटी है वह सलमान खान नू दित्ती गई है और अपने पद्धर से भी सलमान खान के वल्लों सलमान खान है क्योंकि बहुत बार उसका जिक्र होया गोल्डी ब्रार की जी कथित तौर पर एक वीडियो ऑडियो जी सामने आती है उस भी सलमान खान का जिक्र होंगे और बार बार यह कहा गया है लॉरेंस बिश्नोई के वालों भी कि जाएगा दे वालों जी है उन्होंने पुरानी रंजिश है और उसू लैके ये सब जग जाहिर है कि किस तरीके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वालों सलमान खान को धमकियां दी जा रही फायरिंग की गई है बाइक सवार हमलावर आते हैं गोलियां चला के फरार हो गए हैं पर सवाल कई बड़े ने क्योंकि अगर जेकर असी पहलों वाले जो प्लैन्स लैके खुलासा होंगे कि उसके गैसट हाउस के बाहर जोड़ा है गोलियां मारिया जानिया सन तो वह भी प्लैन फेल होया से इन्होंने हमलावरों का तो बहुत समय समय के खुलासे हुए हैं। अमित राय ने मेरे सहयोगी फोन लाइन से अमित क्या कुछ पूरी जानकारी देखिए सुबह 4:55 पे जो है घर के बाहर फायरिंग की खबर है दो राउंड जो है फायरिंग की गई है यहाँ पर और दो हमलावर आए थे बाइक पे बैठ के आए थे हवा में उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते हुए वहां से निकल गए हालांकि किसी के घायल हुए खबर नहीं है। सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाला जा रहा है यहाँ पर और मुंबई पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम भी निकल चुकी है मौके पर पूरी जांच पड़ताल के लिए लेकिन जिस तरह से सलमान खान घर के बाहर दो राउंड फायरिंग हुई है निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है और जांच एजेंसियां जो है वो जांच में जुट गई है। अमित जी ये जानना चाहेंगे बेहद ही टाइट सिक्योरिटी अगर हम कहें कि बिल्कुल हाई लेवल की सिक्योरिटी सलमान खान के पास है प्रशासन की ओर से उनकी खुद की भी तो ये गलत नहीं होगा तो किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया क्योंकि ये सिर्फ एक दहशत फैलाने की कोशिश हो सकती है हालांकि बहुत बार पहले भी हमलावरों के ओर से ये प्लानिंग बनाई जा चुकी है लेकिन हर बार फेल होती नजर आई है। देखिए निश्चित तौर पे सलमान खान को जो है बहुत बड़ी सिक्योरिटी जो मुंबई पुलिस की तरफ से मिली हुई है यहाँ पर उसके बावजूद जिस तरह की हरकत को अंजाम देना मैं आपको बता दूं इससे पहले भी जो है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। एक इंटरव्यू में उसने खुलेआम कहा था की उसके जीवन का लक्ष्य जो है सलमान खान को मारना है। यहाँ पर उसने अभिनेता गायक गिद्दी ग्रेवाल के कनाडा स्थित आवास पर भी हमला किया था और कहा था कि सलमान खान के साथ करीबी संबंधों के कारण हमला किया गया था और लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद ही सलमान सुरक्षा की समीक्षा की गई थी और सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। लेकिन जिस तरह से घर के बाहर जो है मैं आपको बताऊं कि इस तरह से हमला होता है और फायरिंग होती है हालांकि किसी घायल होने की खबर नहीं और फायरिंग हवा में की गई थी तब लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पहुंची है और लगातार मुझे लग रहा है कि जल्दी जो है मुंबई पुलिस पूरे मामले में जल्दी कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। तो बिल्कुल अमित इसके अलावा क्या कुछ जानकारी अभी कौन कौन सी टीमें उनके घर के अंदर पहुंची है क्या कुछ पूछताछ की जा रही है क्या कोई सीसीटीवी ऐसी है जिसमें ये हमलावर कैद हुए होंगे। देखिए मुंबई पुलिस अभी कुछ बता नहीं रही क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है सलमान खान का मामला है। फॉरेंसिक की टीम मुंबई पुलिस की टीम एटीएस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ये चारों एजेंसियां जो है वो वहां पे मौके पे पहुंच रही हैं और इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही है। मैं आपको बता दूं कि टाइगर थ्री के अभिनेता के बाद फिलहाल वाई प्लस की सुरक्षा है और गौरतलब है पिछले साल सलमान खान के ऑफिस में एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया था और सलमान करीबी प्रशांत गुंजालकर को रोहित गर्ग से धमकी भरा मेल मिला था और ईमेल के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार और रोहित गर्ग के खिलाफ आईपीसी की धारा 506(2), 120(b) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था और इस पूरे ईमेल में ये कहा गया था कि आपने लॉरेंस बिश्नोई का हालिया इंटरव्यू देखा होगा इसे सलमान खान को भी दिखाए उन्हें बताया कि गोल्डी बरार इस मामले को खत्म करने के लिए उनसे बात करना चाहते हैं। इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस ने ये भी कहा था कि वो चाहता है सलमान उनके देवता जम्बेश्वर जी मंदिर में जाए और काले हिरण की हत्या के मामले माफी मांगे। उसने कहा था कि अगर हमारा समाज माफ कर देगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये पिछले साल का जो मेल आया था वो धमकी भरा मेल यानी हर बार सलमान खान को धमकी भरे ईमेल आते हैं उन्हें थ्रेट आता रहता है।
क्योंकि ऑलरेडी जो है मुंबई पुलिस ने जो है जैसे लॉरेन बिश्नोई की धमकी आई थी उसके बाद सलमान खान को जो है वाई प्लस की सिक्योरिटी दे दी थी, और अब से करीब 2 महीने पहले भी जो है सलमान खान को धमकी आई थी, तो उसके बाद में जो है मुंबई पुलिस ने ये जांच करने की कोशिश की थी कि ये जो फोन कॉल्स आया था और जो एक पत्र के जरिए जो धमकी मिली थी वो तो कहाँ से आई थी, और जिस तरीके से बताया जा रहा है प्राथमिक दो लोग आए थे वो लॉरेन बिश्नोई गैंग से हो, लेकिन अभी तक जो है इसकी पुख्ता सबूत जो है मुंबई पुलिस को मिले नहीं है। उस वक्त में मुंबई पुलिस के अभी इस वक्त में सलमान खान के घर के बाहर है, जहाँ आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, और साथ में ही जो है यहाँ पर गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है वहाँ पर मुंबई पुलिस के साथ में ही जो है यहाँ पर सलमान खान को जो वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी तो उसके सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात है, उसके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी जो है यहाँ पर तैनात है। इस वक्त मैं गैलेक्सी अपार्टमेंट में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की टीम जो है यहाँ पर खड़ी है, और साथ में ही जो है ये बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त सलमान खान जो थे वो घर पे ही थे। प्रीति, क्या हाल ही के दिनों में कोई ऐसी खबर निकलकर सामने आई हो कि सलमान खान के या फिर उनके परिवार में से किसी ने शिकायत दर्ज कराई हो, किसी भी कोई धमकी भरा फोन कॉल या कुछ भी? जब से लॉरेन बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को धमकी दी थी उसके बाद में जो है सलमान की सिक्योरिटी वाई प्लस कर दी गई थी, और साथ में ही जो है मुंबई पुलिस को 2 बार जो है इसकी धमकी आई थी सलमान खान को। एक जो धमकी आई थी वो एक लेटर के जरिए आई थी, और एक फोन कॉल के जरिए जो है सलमान खान को धमकी आई थी, उसके बाद में ही जो है सलमान खान की जो सिक्योरिटी थी वो इंक्रीज कर दी गई है। लेकिन आज सुबह 4:55 पर जब ये हादसा हुआ तब सलमान खान घर में ही थे, और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस के साथ साथ सलमान के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और मुंबई पुलिस ने जो है इस पूरे इलाके की जो है सीसीटीवी वो छानबीन शुरू कर दी है, क्योंकि गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी जो है 2 CCTV लगे, बिल्डिंग के भी लगे, और साथ में जो रोड जो है वहाँ पे भी पीएमसी ने लगाए हुए, तो उसकी भी छानबीन इस वक्त चल रही है। प्रीति, पूरा का पूरा गैलेक्सी अपार्टमेंट सीसीटीवी से लेस है, एक एक सीसीटीवी को पुलिस की तरफ से जरूर खंगाला जा रहा होगा। इस वक्त जो है मुंबई पुलिस के साथ में फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है, और डॉग स्क्वाड भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और वो लोग जो है छानबीन कर रहे हैं। हालांकि जैसे कि प्राथमिक जांच मिली है जो फायरिंग हुई है वो हवा में। ये बहुत बड़ी खबर है, सुबह 4:55 का वो वक्त रहा प्रीति जब ये फायरिंग होती है, 3 राउंड हवा में फायर किए गए, बताया गया सलमान खान बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, और जानकारी यही है कि अपने घर में ही वो मौजूद है। लेकिन ये बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हमारी सहयोगी प्रीति भी वहां से दिखा रही है। प्रीति, अगर आप थोड़ा सा कैमरा को आपके अपोजिट डायरेक्शन में कर दिखा पाए वो सलमान खान का घर, और उसके बाद अब सुरक्षा कैसे वहां पर इस वक्त आप देख पा रही है? तो काफी सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी पुलिस सिक्योरिटी के साथ में जो सलमान के जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वो भी यहाँ पर मौजूद है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर। जो सुबह 4:55 पर जब ये हादसा हुआ उसके बाद में जो है पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और उन्होंने जो है जांच शुरू कर दी है, और साथ में ही सीसीटीवी की जांच भी जो है पुलिस इस वक्त कर रही है, क्योंकि 2 दिन पहले जब ईद थी तब यहाँ पर सलमान के चाहकों का काफी जमावड़ा हो गया था, और पुलिस को लाठी चार्ज भी उस वक्त करनी पड़ी थी, और साथ में ही जो है यहाँ पर पूरे रोड को जो है पुलिस ने बंद कर दिया था। तो आज भी जब ये हादसा हुआ उसके बाद में जो है पुलिस ने इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और काफी ये हाई सिक्योरिटी जोन है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही 500 मीटर दूरी पे जो शाहरुख खान का मन्नत घर भी यहाँ पर है, कई सारे फिल्म सेलिब्रिटीज यहाँ पर रहते हैं। सलमान के ऊपर इसके पहले भी लॉरेन बिश्नोई गैंग से धमकी आई थी, और उसी वक्त से जो है सलमान की सिक्योरिटी जो है इंक्रीज कर दी गई। बिल्कुल प्रीति, ये बहुत बड़ी खबर है, और तस्वीरें अब दर्शकों को हम दिखाने जा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 इंडिया पर देख लीजिए, क्योंकि अब पुलिस की तरफ से बकायदा ये जानकारी मिल चुकी है उस जगह को।